बन जाए। क्या हो गया रे भगवान जी? अब तुम ही अमृत सुहाग को सही सलामत लौटाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हिम्मत रखिए और भोलेनाथ पर भरोसा कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। अम्मा, शक्ति भाई और कृष्णा भाई गए हैं ना, वो ले आएंगे बाबूजी को एकदम सही सलामत। हम बताए रहे ना तुमका, भगवान हमरे सुहाग को लौटा दे रहे कोमलिया, नहीं तो जिंदगी भर हमरे किस्मत में रोना लिखा रहेगा रे। देखिए आप परेशान मत होइए, बाबूजी जल्दी लौट कर आएंगे। देखिए संतन जी, हमारे हिसाब से तो इस वक्त हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए हमें। कानून जरूरत नहीं हमको पुलिस की। पुलिस ऐसे मामले में कुछ की है और काम बिगाड़ती है। नरेव अपने बेटा से पूछे बिना हम कुछ नहीं करेंगे। पुलिस नहीं बुला सकते हम। अम्मा पापा सही कह रहे हैं, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अरे बस कर रहे तुम बात बेटी, नहीं चाहिए आपको कानून की मदद। अरे काहे तुम लोग कानून से मदद लेने पे तुले हो, काहे जबरदस्ती कर रहे हो, नहीं चाहिए आपको। हमरे मर्द को कुछ हो जाएगा तो कानून क्या करेगा, उनको जिंदा करके लाएगा? आज इतना आदमी सब खड़े थे, किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर साहब का अपहरण हुआ होगा, लेकिन हम कानून में जाएंगे ना तो सब मान लेंगे। सुनी नहीं सकतिया क्या कह रहा था सो, कि उनके दुश्मन घास फूस जैसे भरे पड़े, सबको पता चल जाएगा, सब दुश्मन भाई एक साथ मिलके ना हमारे घर का ईटा कबाड़ देगा। तुमरे और तुमरे बाप को ना अगर बाहुबली का मामला समझ में नहीं आ रहा ना तो अपना आँख कान बंद करके चुप रहो। हमको अपना सुहाग चाहिए बस, जैसे करके जैसे तैसे करके वो घर आ जाए बस। तुम लोग ना भगवान के लिए जाओ यहाँ से रे, हमको हमरे हाल को छोड़ दो। कानून की मदद ले लो, कानून की मदद ले लो। ठीक है संतन जी, जैसी आपकी इच्छा। अरे राव, जो उन पोता के आने की खुशी का इतना साल इंतजार किए, आज के दिन ही खुशी के दिन ही सब कहा हो गया रे कोमलिया। अरे राव हम क्या करें रे राव। गुरुजी हमरे घर का मामला ना बहुत खराब है, इसलिए जब तक बाऊजी घर नहीं आते ना, हम ये सोच रहे कि हम ना अपने अम्मा के पास ही रहेंगे, यही अच्छा रहेगा। नहीं भाभी, आपको ऐसी हालत में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप पेट से हैं और आपको ऐसी हालत में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप घर जाइए, हम हैं यहाँ। ठीक है प्रतिज्ञा भौजाई, लेकिन तुम ना हमारी अम्मा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। देखो ना अम्मा ने रो रो के अपनी का हालत कर ली है। बस ये ध्यान रखना कि ये अपनी हालत और खराब ना कर ले। हाँ भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ पर सब कुछ संभालते।
बेटा। बोले साला बाऊजी से कि अकेले अकेले मत जाया करिए, ये साला तुमरा ना थूथन तोड़ देगा। आराम खोर साले सबके सब खाए खाए के मोटे। अरे पर कहाँ चले गए होंगे बाऊजी यार? मालूम था साला, हम बोल रहे थे वो कलेक्टर में जब धमकी दिया था तो बाबूजी को बोला था कि बाबूजी तब ही साला वहीं धमाका कर देते हैं। नहीं माने साला का कर। भी अपनी जगह से हिलाना, यहाँ ही ढेर कर देंगे। अरे भैया कौनो गलती हो गई? अकायती बंद। बताओ बाऊजी कहाँ है? अरे भैया हम लोगों को नहीं देखे ठाकुर साहब को? हम नहीं देखे भैया। अरे भैया हम तो कल ही ससुराली से वापस लौटे हैं भैया। साले ना इससे नहीं मानेंगे, डांट दे ससुराल सबको। हम सही कह रहे हैं, ठाकुर साहब को नहीं देखे भैया, नहीं देखे। कहा छुपा है बाऊजी को? चल बाबा चल बे। चलिए ये खा लीजिए। कोमल बेटा खा लो, तुम क्यों चिंता कर रही हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ससुर जी, हमको ना कुछ नहीं खाना। जब तक हमारे बाऊजी ठीक ठाक घर नहीं पहुंच जाते ना, हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों परेशान हो रही हो बेटा? तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा, देखना वो सही सलामत घर लौट आएंगे। सही कह रहे हैं पापा आप, हमें उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। और कोमल, तुम्हारे बाबूजी ने तो कितने लोगों के साथ बुरा किया होगा। आदर्श, आज लोगों को मौका मिला है तो ये तो एक ना एक दिन होना ही था, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमरे बाऊजी जैसा ना कौनो नहीं है, तू भी नहीं कमीने। तुम बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी जैसा कोई हो भी नहीं सकता। हमारी बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनसे बुरा कोई नहीं कर सकता। चुप हो जा, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह नोच लेंगे। अगर हमरे बाबूजी नहीं होते ना, तुम यहाँ कुछ बोले लायक नहीं होते, सब नहीं होते जेल में। भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, आप लोग इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? भाभी आपने कुछ नहीं खाया, सब कुछ छोड़िए वहाँ बैठी, चलिए। अरे हम नहीं खाएंगे, जो उन भी खाना पड़ा है ना इको खिलाओ। काय के इस सिफारिश खाए खाए के जी रहे ना, अभी को खाना दो। अपनी जबान संभाल के बात करो। तुम हमको डरा रहे हो? आदर्श बेटा तुम ही चुप हो जाओ,
जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए। हाँ ससुर जी, क्योंकि ना चुप करा के अंदर ले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या, अपने बाबूजी ऐसे गालियां दे रहे हो, आपका मार भी डालोगे क्या? ऐसे इंसान की हम कभी बड़ाई नहीं कर सकते जिसकी वजह से हमारा पूरा करियर बर्बाद हो गया हो, जिसकी वजह से इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के हम यहाँ भी आए हैं। तुम हमारे बाबूजी पे इल्जाम लगा रहे हो। वो दुबई वाली नौकरी ना हमारे बाबूजी तुमको दिलाए हैं। वो नौकरी के साथ जो हम चाहे वो कर सकते हैं। अरे पहले खुद तो कुछ करके दिखाओ, फिर हमारे बाबूजी पे इल्जाम लगाना, समझे? अपनी जबान को संभाल के रखो, समझे? आदर्श, आदर्श, बेटा तुम हमारे साथ उस तरफ चलो। अरे हम क्यों पापा? अरे चलो तो सही बेटा। शांत हो जाओ कोमल बेटा, ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करते, बच्चे पर बुरा असर हो सकता है। हाँ तो पड़े दो ना बुरा असर। बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका बाप कितना कमजोर आदमी है। साला पीठ पीछे बोली काटता है। भाभी बस कीजिए और अब छोड़िए ये सब, आप चलिए हमारे साथ अंदर कमरे में चलिए। चलिए ना, चलिए। ससुर जी को बोल दो कि अपनी हद में रहे, नहीं तो एकदम खून का।